देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, बीटीएन न्यूज प्रतिदिन में आप सबका स्वागत है। हम आज इन समाचारों के साथ, पहले मुख्य समाचार। नगर निकाय चुनाव सितंबर के आखिरी सप्ताह से पहले संभव नहीं दिख रहा। अदालती आदेश और कई पेंच के कारण नवंबर तक भी जा सकता है चुनाव का समय। राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के शेष बचे 84 निकायों के मतदाता सूची कार्यक्रम को भी दिया अंतिम रूप। प्रधानमंत्री के लाइव कार्यक्रम से रूबरू हुए लाभार्थी, जनप्रतिनिधि भी हुए शामिल। पंचायत सचिव का शराब पीते हुए वीडियो हुआ वायरल, अब तक कोई कार्रवाई नहीं, मामला हायाघाट का। नए उप विकास आयुक्त अमृता बैंस ने पदभार ग्रहण किया। वर्तमान डीडीसी तनय सुल्तानिया पटना के लिए हुए विरमित। और कोरोना की काली याद, मई 2020 में जिंदगी बचाने की जद्दोजहद थी तो मई 2021 में अस्पताल, एम्बुलेंस, कब्रिस्तान और शमशान के बीच ही कट रही थी जिंदगानी। आगे समाचार विस्तार से, लेकिन थोड़ी देर। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज, इंतजार किसका? जाएं सर्राफ ऑर्थो स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एस एन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी नस रोग विशेषज्ञ, डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ, डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। प्रति वर्ष की भांति इस वर्ष भी दरभंगा शहर के आयकर चौराहा स्थित पुरानी बस स्टैंड में डिज्नीलैंड मेला का आयोजन हो रहा है। इस मेले में मीना बाजार, डाबर झूला, ब्रेक डांस, ड्रैगन झूला के साथ साथ बच्चों के लिए मनमोहक खिलौने एवं अलग अलग प्रकार के फैंसी ड्रेसों के साथ अनेकों प्रकार की खाद्य सामग्री भी उपलब्ध है। आप लोग भी एक बार मेला का आनंद जरूर लें। और अब समाचार विस्तार के साथ बात करते हैं सबसे पहले नगर निकाय चुनाव की। पूरे बिहार में भ्रम की स्थिति है, चुनाव कब होगा। महापौर, उप महापौर सहित पार्षद और नगर पंचायत में भी वार्ड अध्यक्षों का चुनाव होना है, वार्ड सदस्यों का चुनाव होना है, वार्ड कमिश्नर बनेंगे, लेकिन ऐसी परिस्थिति में चुनाव कब होगा यह भ्रम की स्थिति है। 9 जून 2022 को जहां चुनाव हुए थे, दरभंगा नगर निगम सहित सभी का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा और ऐसी परिस्थिति में इंतजार करना पड़ेगा। इंतजार जुलाई तक नहीं, अगर नगर निकाय का चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग ने एक साथ कराने का मन बनाया तो यह चुनाव न्यूनतम सितंबर के आखिरी सप्ताह से पहले संभव नहीं है। और अगर यह भी पार कर जाता है तो कई पर्व त्योहार, मसलन दुर्गा पूजा सितंबर आखिरी महीने में है। ऐसी परिस्थिति में अक्टूबर यानी दुर्गा पूजा और दीपावली के बीच ही चुनाव संभव है। संभावना यह भी है कि सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन ट्रिपल लेयर टेस्ट के संदर्भ में जो शपथ पत्र दाखिल करना है बिहार सरकार को, अगर संतुष्टि न हुई तो चुनाव नवंबर के बाद भी हो सकता है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बहरहाल अब यह स्पष्ट इसलिए हो गया है कि शेष बचे 84 नगर पंचायत नगर निकायों की मतदाता सूची का काम भी राज्य निर्वाचन आयोग ने मंगलवार को घोषणा कर दिया, जो 25 जुलाई तक होना है। वहां वार्डों का आरक्षण भी तय होना है और ऐसी परिस्थिति में अगस्त के अंत तक यह संभव नहीं है चुनाव प्रोग्राम निकालना, तो ये दो विकल्प हो सकते हैं राज्य निर्वाचन आयोग को, एक पार्ट चुनाव पहले कराए और दूसरा बाद में, लेकिन यह संभव नहीं दिख रहा है। ऐसी परिस्थिति में चुनाव सितंबर के आखिरी सप्ताह, एक बात अक्टूबर महीना या नवंबर महीना तक जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। नगर निकाय के चुनाव की तैयारी जोरों पर है। दरभंगा नगर निगम चुनाव की भी बात करें तो वर्तमान पार्षदों का, महापौर उप महापौर का कार्यकाल 9 जून को समाप्त होना तय है। ऐसी परिस्थिति में नगर निकाय उसके बाद प्रशासक के हवाले हो जाएगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। संभावना जताई जा रही थी कि
जुलाई के आखिरी सप्ताह में चुनाव हो, लेकिन 84 नगर निकाय जो राज्य के, जहां मतदाता सूची का काम नहीं हुआ था, एक दिन पहले राज्य निर्वाचन आयोग ने वहां के कार्यक्रम को भी अंतिम रूप दे दिया। अब मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन जुलाई के आखिरी सप्ताह यानी 25 जुलाई को होगा। ऐसी परिस्थिति में अब दो पार्ट में चुनाव कराने की संभावना छीन हो गई है और नगर निकाय चुनाव न्यूनतम सितंबर के आखिरी सप्ताह से पहले संभव है ही नहीं। और अगर अदालती आदेश और कई फंसा पेंच जिसको सुलझाने में समय लगेगा, तो यह भी संभव है कि चुनाव नवंबर तक टल जाएगा। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ऐसे में लगातार मार्च अप्रैल से जो उम्मीदवार चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उनका इंतजार लंबा खींचेगा। पानी, बारिश, बाढ़ की धार और कई पर्व त्योहारों से गुजरेगा और लगातार उनका संघर्ष जारी रहेगा। इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। मालूम रहे कि एक फेज में मतदाता सूची का प्रकाशन 190 के जगह पर किया गया, शेष 84 जगह का अंतिम प्रकाशन अब 25 जुलाई को होगा। शेष इससे पहले प्रारूप प्रकाशन हो चुका है, जिसका अंतिम प्रकाशन 23 जून को होगा। ऐसी परिस्थिति में अब दो पार्ट में चुनाव कराना संभव नहीं है और इसके बाद वार्डों का आरक्षण और उस पर आपत्ति को सुनने में एक महीना से ऊपर समय लग जाएगा। नामांकन इत्यादि की भी घोषणा होती है तो अंतिम मतदान और मतगणना में एक महीने का समय आता है। ऐसे में अगस्त आखिरी सप्ताह में बारिश का समय होता है। कई नगर पंचायत भी है जहां बाढ़ की संभावना होती है। नगर विकास विभाग ने सभी जिला के पदाधिकारियों से बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की सूची तो मंगा ली है, लेकिन उसके बाद एक पेंच और फंसता है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश ट्रिपल लेयर टेस्ट में आरक्षण पद्धति। ऐसी परिस्थिति में अब यह संभव नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सरकार को शपथ पत्र देना होगा कि वह अगले चुनाव में इसकी तैयारी कर लेगा। तो इतने पेंच सुलझाने के बाद समझा जाता है कि दुर्गा पूजा, जो सितंबर के आखिरी सप्ताह में ही शुरुआत है, अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में समाप्त है और दीपावली अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में है। टाइट प्रोग्राम भी दिया जाए तो अक्टूबर में यह संभव है, लेकिन जो सामान्य स्थिति की बात है उसमें नामांकन की प्रक्रिया से लेके मतगणना की प्रक्रिया में एक माह का समय लगता है। ऐसे में चुनाव नवंबर में भी छठ के बाद जाए तो आश्चर्य नहीं होगा। तो यह अब तय हो गया है कि जुलाई आखिरी सप्ताह में तभी चुनाव संभव है जब नगर विकास विभाग, राज्य निर्वाचन आयोग दो पार्ट में चुनाव कराने के लिए तैयार हो। लेकिन अब ऐसा नहीं दिखता है, क्योंकि जो शेष नगर निकाय गठित हुआ है उसमें अध्यक्ष पद, महापौर पद उप को लेकर आरक्षण पद्धति में सभी राज्य के जो नगर निकाय हैं उसकी गणना होती है। तो ऐसे उम्मीदवार जो लगातार अप्रैल मई से चुनाव की तैयारी में थे, दो दिन पहले जब अंतिम सूची प्रकाशन हुआ और दरभंगा जिला को मंगलवार को यह प्राप्ति हुई, ऐसी परिस्थिति में अब चुनाव किसी भी परिस्थिति में न्यूनतम अगर दूसरे पार्ट में भी कराया जाए तो सितंबर के आखिरी सप्ताह में संभव है, लेकिन वह भी टाइट प्रोग्राम में। और सितंबर के आखिरी सप्ताह में दुर्गा पूजा है, तो ऐसी परिस्थिति में चुनाव अक्टूबर के मध्य, दुर्गा पूजा और दीपावली के बीच, या फिर नवंबर में छठ के बाद ही संभावना दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिमला में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन का कार्यक्रम का आयोजन देश भर के साथ बिहार के दरभंगा में भी प्रसारित किया गया। सीधा प्रसारण लोगों ने देखा। पार्टी के समर्थकों ने खूब गुणगान किया। वहीं पंचायत के नेताओं ने कहा कि मिल रही है योजना का फायदा, लेकिन सुधार की है जरूरत। पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा, समर्थकों ने कहा कि योजना मिल रहा है मूर्त रूप में, लेकिन सुधार की भी कुछ जरूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाभुकों को संबोधित किया। 10 करोड़ किसानों के खाते में 21,000 करोड़ राशि की को हस्तांतरित किया। डीएमसीएच के ऑडिटोरियम में प्रेक्षागृह में दरभंगा के लाभुकगण और जनप्रतिनिधि इस मौके पर उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाइव थे दरभंगा में, लोग उन्हें देख रहे थे। सीधा प्रसारण।
शिमला में आयोजित गरीब कल्याण सम्मेलन कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दिखा दरभंगा में। बिहार के कई मंत्री सहित सांसद और विधायक के साथ पंचायत जनप्रतिनिधि और लाभुक भी मौजूद रहे। नेताओं ने खूब गुणगान किया, प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को सराहा। लेह लद्दाख के लाभुक तासी तुदुम, बिहार के बांका जिला के गहलौर प्रखंड की ललिता देवी, पश्चिम त्रिपुरा के पंकज सिन्हा, कालबुर्गी कर्नाटक से संतोषी देवी, मेहसाना से अरविंद कुमार, हिमाचल प्रदेश के कार्यक्रम में उपस्थित समा देवी से मिली योजनाओं के लाभ से संबंधित संवाद भी उन्होंने किया। यहां दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के ऑडिटोरियम में हुए कार्यक्रम का सीधा प्रसारण बिहार के समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी, श्रम संसाधन सह सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री जीवेश मिश्रा, दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर सहित कई विधायक मौजूद रहे। कार्यक्रम में 13 योजनाओं, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, पोषण योजना इत्यादि की चर्चा हुई। से आज प्रधानमंत्री का जो उद्बोधन हुआ है और जो लाभार्थी के साथ उनका बातचीत हुआ है, और हम लोगों को भी अवसर यहाँ के जिला प्रशासन ने करके दी लाभार्थियों से बातचीत करने का, उसमें प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना से हो रहे गरीबों का कल्याण और गरीब में जो उत्साह दिखने को मिला, वो भूतो न भविष्यति। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जब लाल किला से अपना संबोधन में 14 में कहे जो यह सरकार गरीब के लिए, गरीब की समर्पित सरकार और गरीब के लिए ही सारे योजना बना करके एक एक अंतिम पंक्ति में जो बैठे गरीब हैं उसको तक, उसके घर तक यह लाभ पहुंचाने का जो निर्णय लिया, आज एक एक गरीब का प्रधानमंत्री आवास योजना से आवास बन रही है। वहीं पर उनके घर में आज शौचालय के निर्माण भी हो रही है, वहां पर बिजली भी लग रही है, वहां पर आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख रुपया इंश्योरेंस कार्ड भी पहुंचा रही है। और आज तो प्रधानमंत्री जी देखे ही होंगे जो सारे किसान 10 करोड़ किसानों के खाते में अपना फंड जो 6000 रुपया हर साल 2000 किस्त वाइज भेजने का काम करते हैं, आज सारे किसानों के खाते में भी पैसा भेजने का काम किया है। और जो हमारे कई योजना है, खाद्य सुरक्षा योजना, किसान सम्मान योजना, उज्ज्वला योजना, तमाम पीएम आवास योजना के सभी लाभार्थी यहां उपस्थित थे। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो 8 साल लगातार देश की सेवा की है, काम की है, गरीबों का चिंता किया है, उसको आगे ले जाने का काम किया है, इसके बारे में उन्होंने विस्तार से बताया है। हम सभी लोगों ने भी जो हमारे लाभार्थी हैं जिनको इस तमाम तरह के योजनाओं का लाभ मिला है, उससे सीधा संवाद करने का हम लोग को भी अवसर दिया गया। और हम लोगों ने भी जाना कि जो आज के हमारे लाभार्थी हैं इन तमाम तरह के योजनाओं का, उनके द्वारा जिला प्रशासन स्तर से भी और जो हमारा ब्लॉक स्तर का भी प्रशासन है उनके द्वारा उनको हर तरह से सहयोग दिया जाता है, और किसी भी तरह का योजना मिलने में किसी तरह का कोई कठिनाई नहीं होता है। और यही संदेश माननीय प्रधानमंत्री जी ने शिमला से भी देने का काम किया है कि पहले के समय में जो 100 रुपया अगर कहीं भेजा जाता था तो 85 रुपया रास्ते में अटक जाता था, आज DBT के माध्यम से सीधा लोगों के खाता में 100% राशि पहुंचता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज शिमला से हमारे हजारों लाखों किसानों के खाता में सीधा DBT के माध्यम से किसान सम्मान की राशि भी भेजने का काम किया है। निश्चित रूप से हमने जो काम किया है, हमारे अधिकारी पूर्ण रूप से काम किए कि नहीं किए, देश के मुखिया को सीधा सीधा लाभार्थी से संवाद स्थापित करना ही चाहिए, देश के जनप्रतिनिधि को सीधा सीधा इस प्रकार के लाभार्थियों से संपर्क स्थापित करना चाहिए। योजना जो भी बनती है उसको जमीन पर उतारने का काम
अधिकारी पदाधिकारी के माध्यम से होता है, हमारे पदाधिकारी इसमें कितने सक्षम हैं, इन बातों का भी पता जब हम लाभार्थी से सीधा सीधा बात करते हैं तो ये भी पता चलता है कि हमारी योजना जमीन पर किस प्रकार उतरी है और कितने प्रतिशत में उतरी है। इसलिए हम समझते हैं कि ये बहुत ही सकारात्मक कदम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने स्टार्ट किया है, प्रारंभ किया है, और समय समय पर वो लोग वो देश के अपने जनता से और लाभार्थी से बात करते रहते हैं। हाँ, निराशा तो लगा कि दरभंगा में भी होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी जो संवाद कर रहे थे दरभंगा से भी लेना चाहिए था, दरभंगा के बारे में पूछना चाहिए था। दरभंगा मिथिला का पावन धरती है, वो भूल किए हैं दरभंगा के लिए। आप लोग निराश हैं? हाँ, एकदम निराश हैं। क्या नाम हुआ? देखिए, गरीब कल्याण योजना जो प्रधानमंत्री जी लाए हैं उस योजना से लाभ तो मिल रहा है, पर बड़े पैमाने पर लाभ नहीं मिल रहा है। जैसे कि दलित परिवार, महादलित परिवार, उन लोगों को अब जो है सो आवास योजना का लाभ मिलना चाहिए, उन लोगों को नहीं मिल करके पिछड़े में, अति पिछड़े में, अन्य वर्ग में लोगों को मिल रहा है। जो धरातल पर सही ढंग से उतरना चाहिए वो नहीं उतर के, लेकिन जो कुछ आकांक्षाएँ योजना चली है वो उसका बनिस्पत ठीक ही चल रहा है। क्यों, कारण क्या लग रहा है? आप जो बता रहे हैं कि गरीब को नहीं मिल पा रहा है, देखिए ये कारण क्या है? प्रधानमंत्री आवास योजना का जब लिस्ट बना था ना, वो डायरेक्ट ऊपर से बना था, मुखिया लोगों से नहीं लिया गया था। अगर मुखिया लोगों से लिया जाता तो सही लोगों को उसमें सेलेक्ट कर करके दिया जाता तो गरीब को ही मिलता, और जो जिस श्रेणी से आता हम लोग उस श्रेणी से उसको लिस्ट बना करके देते और उस हिसाब से पेमेंट करवाते। पंचायत सचिव का शराब पीते हुए वीडियो वायरल हुआ, यह घटना है दरभंगा के हायाघाट पंचायत सचिव का, जिस पर अभी तक ना कोई कार्रवाई हुई न ऊपर से संज्ञान दिया गया। बिहार में भले ही शराबबंदी हो लेकिन शराबी पर कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही वह छुपा कर हो लेकिन कैमरा सब कुछ बता देता है, झूठ नहीं बोलता। जी हां, हायाघाट इलाके में एक पंचायत सचिव का शराब पीते हुए वीडियो वायरल हुआ और बड़ी तेजी से यह लोगों तक पहुंचता गया। शराबबंदी वाले बिहार में कैसे दिन के उजाले में एक घर के दरवाजे पर शराब की पार्टी मनाई जा रही है, जरा ये देखिए। लेकिन किसी की निगाह कैमरा के साथ इसे कैद करने में सफल रहा। वीडियो वायरल हुआ तो पुलिस ने भी संज्ञान लेते उसकी जांच शुरू की। प्रथम नजर में मामला सत्य प्रतीत हुआ तो प्राथमिकी दर्ज कर तस्वीर में दिखने वाले एक व्यक्ति मोनू कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। लेकिन पंचायत सचिव जो त्रिवेणी यादव बताए जा रहे हैं वे गिरफ्त से बाहर हैं। वीडियो वायरल होते ही संबंधित पुलिस पदाधिकारी ने मामला दर्ज किया। डीएसपी कृष्णनंदन कुमार ने इस संदर्भ में कहा, एक वीडियो वायरल हायाघाट थाना से संबंधित है, उस सूचना के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, उसमें एक व्यक्ति मोनू कुमार को गिरफ्तार किया जा चुका है, उसको न्यायिक हिरासत में भेजा गया है, और एक उसमें साथ शराब सेवन करने वाले दूसरे व्यक्ति त्रिवेणी यादव को गिरफ्तारी के प्रक्रिया में है और अभी उनकी गिरफ्तार किया जाना से वायरल में शराब पीने की बात आ रही है, उसका भी जांच किया जा रहा है। मोनू कुमार सिंह के व्यक्ति का नाम आया है, पहचान किया गया है, उनकी गिरफ्तारी भी हुई है और दूसरे त्रिवेणी यादव के रूप में पहचानित हुए हैं, उन पर भी कानूनी कार्रवाई किया जा रहा है। समाप्त पंचायत सचिव है, अभी तक तो प्रथम दृष्टया लग रहा है कि शराब पी रहे थे। शराबबंदी के नए कानून के तहत पहली बार शराब पीने पर आप लिस्टमेंट तो हो जाएंगे, सूचीबद्ध तो हो जाएंगे, जमानत मिल जाएगी, लेकिन आप सरकारी पद पर हैं, ऐसे में दोहरी मार तो झेल नहीं पड़ेगी शराबबंदी कानून की। और जो आदर्श आचार संहिता है एक सरकारी सेवक के लिए, उसके तहत कार्रवाई भी तय है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में घटी घटना के बाद चार शराब तस्करों को पुलिस ने धर दबोचा। शराबबंदी की खबर लेते हैं। अलग अलग शराब मामले में लगातार धरपकड़ जारी, कभी शराबी का दिन, कभी पुलिस और उत्पाद विभाग का दिन। इसी तरह चार लोगों को धर दबोचा गया, अलग अलग थाना की यह खबर। दरभंगा के नवनियुक्त उप विकास आयुक्त के रूप में अमिता बैंस ने
पदभार ग्रहण किया। निवर्तमान उप विकास आयुक्त तनय सुल्तानिया से मालूम रहे कि तनय सुल्तानिया पटना के उप विकास आयुक्त बनाए। दरभंगा की नवनियुक्त विकास आयुक्त अमृता बैंस ने मंगलवार को तत्कालीन निवर्तमान डीडीसी तनय सुल्तानिया से पदभार ग्रहण कर लिया। तनय सुल्तानिया पटना के डीडीसी बनाए गए। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी मुख्य प्राथमिकता आवास योजना सहित अन्य दूसरी योजना है जिसे लक्ष्य के अनुरूप पूरा करूंगी। आरडीडी अन्य योजनाओं मनरेगा जीविका जल जीवन हरियाली योजना पंचायती राज की योजनाएं इन सभी योजनाओं पर जो भी कार्य मिलेगा दिशा निर्देश होगा सरकार का अक्षर से उसका पालन करूंगी। यह कहा नए उप विकास आयुक्त ने। 2018 बैच की आईएएस अधिकारी है अमृता बैंस। पहले कैमूर जिला और अरवल के बाद दरभंगा की उप विकास आयुक्त बनाई गई। रहेगी वही मेरी प्राथमिकता रहेगी, उसी को फुलफिल करेंगे, जो भी कार्य मिलेगा उसको करेंगे। मुख्य प्राथमिकताएं तो आवास योजना है जो डीडीसी के को डायरेक्ट उनमें है। आरडीडी की अन्य योजनाएं नरेगा है, एलएसबीए है, जीविका है, जल जीवन हरियाली है, खुद पंचायती राज की योजनाएं हैं। तो इन सभी योजनाओं पे जो भी हमको कार्य मिलेगा हम लोग प्राथमिकता अपने जैसा दिशा निर्देश रहेंगे सीनियर्स के उनके अनुसार काम करेंगे। वर्तमान में ऐसा है कि जिला परिषद का जो चार्ज है मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी का, फिलहाल सरकार की अधिसूचना में वो हमको नहीं मिला है, तो उस पर निर्णय अभी जल्द ही लिया जाएगा। तो जो भी दायित्व सौंपा जाएगा उसको हम लोग फुलफिल करेंगे। प्रत्येक दिन 1 से 2 बजे के बीच में जनता यहाँ पर आ सकती है अपनी कोई भी समस्याओं का समाधान पाने के लिए। हर किसी के लिए द्वार खुले हैं बिटवीन 1 and 2 एवरी डे। बाकी है अभी और भी बहुत कुछ, लेकिन पहले रुकेंगे लेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। 50 वर्षों से आपका विश्वासी दुबे क्लिनिक अपने उत्कृष्ट सेवाओं के लिए कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय अवार्डों से सम्मानित डॉक्टर सुनील दुबे के द्वारा सभी तरह के यौन रोग, गुप्त रोग एवं चर्म रोगों का सफल इलाज निसंतान दंपत्ति एक बार अवश्य मिले। दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली चौराहा, पटना। ब्रेक के बाद एक बार पुनः सबका स्वागत है। हम बढ़ते हैं आगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों। नगर निकाय चुनाव सितंबर के आखिरी सप्ताह से पहले संभव नहीं दिख रहा। अदालती आदेश और कई पेंच के कारण नवंबर तक भी जा सकता है चुनाव का समय। राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के शेष बचे 84 निकायों के मतदाता सूची कार्यक्रम को भी दिया अंतिम रूप। प्रधानमंत्री के लाइव कार्यक्रम से रूबरू हुए लाभार्थी, जनप्रतिनिधि भी हुए शामिल। पंचायत सचिव का शराब पीते हुए वीडियो हुआ वायरल, अब तक कोई कार्रवाई नहीं, मामला हयाघाट का। नए उप विकास आयुक्त अमृता बैंस ने पदभार ग्रहण किया। वर्तमान डीडीसी तनय सुल्तानिया पटना के लिए हुए विरमित। और कोरोना की काली याद, मई 2020 में जिंदगी बचाने की जद्दोजहद थी तो मई 2021 में अस्पताल, एम्बुलेंस, कब्रिस्तान और शमशान के बीच ही कट रही थी जिंदगानी। कचरा यूजर चार्ज, जी हाँ, दरभंगा शहर में कचरा यूजर चार्ज को लेकर काफी आक्रोश है, भ्रम की स्थिति है। और ऐसी परिस्थिति में जबकि निगम बोर्ड का कार्यकाल 9 जून को समाप्त हो रहा है, कचरा यूजर चार्ज 3-3 साल का वसूला जा रहा है। इससे पहले अप्रैल में मकान टैक्स में 20% बढ़ोतरी के बाद पार्षद मधुबाला सिन्हा ने इस पर आवाज उठाया, काफी सहयोग मिला लोगों का और अंततः यह वापसी हुई। और ऐसी ही भ्रम स्थिति कचरा यूजर चार्ज को लेकर है। इस संदर्भ में महापौर और नगर आयुक्त को उन्होंने लिखकर
अंतिम स्थिति बोर्ड की जो का जो अंतिम समय है उसमें आपात बैठक बुलाने की मांग की है। संपूर्ण क्रांति दिवस 5 जून को है और पटना में इसकी तैयारी को लेकर यहां महागठबंधन कार्यकर्ताओं ने बैठक। बुलडोजर राज, महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ लोकतंत्र व आमजनों के खुशहाली के लिए जन जन की एक आवाज, खत्म करो बुलडोजर राज सहित विभिन्न नारों के तहत संपूर्ण क्रांति दिवस 5 जून को पटना के बापू सभागार में महागठबंधन दलों का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित होगा। इस सम्मेलन में दरभंगा सहित मिथिलांचल से भी हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहेंगे। उपरोक्त जानकारी आज पंडासराय स्थित भाकपा माले कार्यालय में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उपस्थित महागठबंधन सदस्यों के नेताओं ने दिया। नेताओं ने आपके माध्यम से दरभंगा के तमाम लोकतंत्र प्रेमियों को अपील किया जा रहा है कि 74 के आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन खड़ा करने का आज परिस्थिति है और महागठबंधन की ओर से पटना में बापू सभागार में 5 जून को भाजपा जदयू सरकार के विफलता के खिलाफ रिपोर्ट कार्ड जारी किया जाएगा। उसमें नारे लगेंगे कि अमन, इंसाफ, भाईचारा, संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य हमारा। आज हम लोग दरभंगा में माले कार्यालय में महागठबंधन के सभी नेताओं ने सर्वसम्मत तय किया है और यहाँ से दरभंगा से हजारों की संख्या में यहाँ से लोग पटना 5 तारीख को जाएंगे। इसकी तैयारी से संबंधित हम लोग आज बातचीत किए हैं और साथ ही सरकार नीतीश बीजेपी की जो संयुक्त सरकार है वो 100% सभी मोर्चे पर विफल है। दरभंगा, उत्तर बिहार बाढ़ की चपेट में, बाढ़ की विभीषिका झेलते रहा है। आज महागठबंधन का संकट प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा है दरभंगा में, उसका हम लोग का मुख्य उद्देश्य है कि नीतीश कुमार जो 1.5 साल से हैं उन्होंने क्या किया है उसका रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है। यह दिन इसलिए खास तौर से चुना हुआ गया है कि 1974 में और जो छात्र आंदोलन हम लोगों ने शुरू किया उस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था कि संपूर्ण क्रांति दिवस के रूप में इसका लोग मनाना शुरू किए और ये सरकार की जो विफलता है ये 1.5 साल में तो कुछ किया नहीं, खाली हवाबाजी रहा, बुलडोजर चला देंगे और ये महंगाई है, भ्रष्टाचार है, सब चरम पर है, देश बिकता चला जा रहा है, लोग उसको खामोश होकर देख रहे हैं, महंगाई बढ़ती चरम सीमा पर है। इसके जांच के लिए लोगों को बताने के लिए कि भाई ये सरकार का 1.5 साल का क्या योगदान है महंगाई के लिए, लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, रोज हत्याएं हो रही है, रोज गिरफ्तार हो रहा है, रोजगार खत्म हो रहा है, यही मुद्दा है मुख्य मुद्दा को हम लोगों को जो ये जो प्रतिनिधि देश में महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ प्रतिवाद मार्च निकाला गया, पूरे देश के वातावरण को लड़ाई के मूड में ले जाने का सवाल। आज बिहार के सामने जो चुनौती है, बिहार के गरीबों के सामने जो बुलडोजर से गरीबों का घर रौंदा जा रहा है, राशन कार्ड का रद्द करने की घोषणा की जा रही है और जो महंगाई का आलम है उसमें लोगों का जीना मुहाल, इस परिस्थिति में महागठबंधन की ओर से जो 5 तारीख को तमाम दलों को बुलाया गया है और सभी दल के नेता आ रहे हैं, ये एक अच्छी पहल है और इस पहल का हम लोग स्वागत करते हैं। हम लोग पटना जाएंगे और पटना से जो कुछ हमारे नेताओं का आह्वान आएगा उसको हम लोग आएंगे लेके अपने जिले में और अपने जिले में उसको लागू करेंगे। कुल सचिव से हुए विवाद को लेकर कई दिनों से चल रहे धरना प्रदर्शन पर कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के कर्मियों के साथ कुलपति ने वार्ता। पिछले कई दिनों से कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के कर्मियों द्वारा कुल सचिव से हुए विवाद को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। आज फिर से एक बार पुनः कुलपति से हुई वार्ता के बाद कोई समुचित हल नहीं निकला और कुलपति द्वारा एक जांच कमेटी बनाकर जांच करने का आदेश दिया गया। इधर कर्मियों द्वारा धरना प्रदर्शन को जारी रखते हुए बुधवार को अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने का ऐलान किया। हड़ताल जारी रहेगा। आज वार्ता में कहे कुल सचिव को लिखे थे पत्र, वो कहे जो कि हम नहीं आएंगे,
आप अपने स्तर से निराकरण कर दीजिए, लेकिन दोषी व्यक्ति हैं कुल सचिव, वो नहीं आए, इसलिए जो आज का वार्ता हम लोग कहे जब तक आप इस पर निर्णय नहीं लीजिएगा, चाहे वो नहीं आएंगे, आपके अध्यक्षता में वार्ता नहीं होगी, कुल सचिव नहीं रहेंगे, तब तक हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। एक घंटा तक हुई और अभी टाइप हो रहा है, टाइप होकर के सबका सिग्नेचर होकर के तब मिलेगा हम लोगों को। और कुलपति बोले जो हम एक उच्च स्तरीय जांच समिति का गठन कर रहे हैं, 7 दिनों के अंदर इस पर निर्णय लेंगे। जब तक हमको न्यायोचित जो मांग है उसकी पूर्ति नहीं होगा, तब तक हमारा अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी। एक डेंटल शिविर का आयोजन किया गया दरभंगा नगर निगम के गोदाम में, मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज की ओर से यह आयोजन। मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज के द्वारा दरभंगा नगर निगम के गोदाम में डेंटल शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें दरभंगा नगर निगम के सभी कर्मचारियों ने बारी बारी से अपने दांतों की जांच करवाई एवं डॉक्टरों के द्वारा गुटखा पान खैनी का सेवन नहीं करने का निर्देश दिया गया। नो टोबैको वर्ल्ड अवेयरनेस स्प्रेड करना है कि इस दिन जो भी हम लोग ये तंबाकू खाते हैं या इसका जो भी हार्मफुल इफेक्ट है, जैसा कि हम लोग जानते हैं 4 लाख से भी ज़्यादा पूरे देश में तंबाकू सेवन करने से लोगों की डेथ हो जाती है। उसकी वजह से सिर्फ जो लेते हैं उसको भी हार्म नहीं है, उनके आस पड़ोस को भी बहुत ज़्यादा हार्म है, जिसको हम लोग पैसिव स्मोकिंग बोलते हैं। आपके आस पड़ोस वाले को भी उससे बहुत ज़्यादा नुकसान, हम लोग सिगरेट भुगतते हैं, लगता है सिर्फ हमें नहीं, आपके जो फैमिली मेम्बर हैं, आपके करीबी, उन सबको भी इससे बहुत हार्म है जो नहीं भी पीते। ये नगर निगम गोदाम है, बिहार लोकल बॉडी एम्प्लॉय फेडरेशन की तरफ से शिविर लगा गया निःशुल्क। इसमें दांत के लिए चेकअप के लिए बुलाया गया यहाँ चेक। इसमें बताया गया कि मतलब जो भी दांत से समस्या हो यहाँ चेक किया जा रहा है, उसके बाद इसके अपना हॉस्पिटल पे जाना होगा, वहाँ जाके दिखाया जाएगा। और बात करते हैं कोरोना के काली याद की, मई समाप्ति की ओर है, लेकिन मई 2020 में तीसरे लॉकडाउन से जिंदगी बचाने की जद्दोजहद और मई 21 में शमशान और कब्रिस्तान में लाखों का सिलसिला नहीं थम रहा था, कोरोना की वो काली याद। और बात कोरोना के काली याद की, मई महीना 2020 को याद करें और सिहर उठता है शरीर, जिंदगी बचाने की जद्दोजहद थी, लॉकडाउन की तीसरी पारी से संघर्ष था और ऐसी परिस्थिति में जून में सब कुछ सामान्य होने के आसार थे, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा था। लगातार आगे भी सूनी सड़कें, डरावनी स्थिति से रूबरू होना पड़ रहा था। 2020 मई बीता था, 2 वर्ष पहले कोरोना की उस काली याद करते हैं, करना इसलिए भी जरूरी कि कितनों को खोया हमने, कितने संघर्ष के बाद यहां पहुंचे हैं बची हुई जिंदगानी। बात करते हैं 2021 की, जी हां, मई 2021 काले डरावने सपने से कम नहीं, लेकिन वह हकीकत था, सपना नहीं था। मई बीत रहा है 2022 का, सुखद स्थिति है, लेकिन कितनों ने अपनों को खोया है। मई 2021 में कब्रिस्तान और शमशान में लाशों का सिलसिला थम नहीं रहा था, सिलसिला जारी था, कम था, लेकिन जून में भी बदस्तूर जारी रहने की संभावना थी। अस्पताल से लेकर एम्बुलेंस के सायरन की आवाज से लोग परेशान हो रहे थे, जिंदगी बचाने की जद्दोजहद यहां भी थी, लेकिन स्थिति मई 2020 से बदतर थी, क्योंकि मई 2020 में कोरोना की मार भी थी, मई 2021 में धार भी थी, जिसमें लाशें गिर रहे थे कब्रिस्तान शमशान में, सांसों के खेल में, ऑक्सीजन की किल्लत में, लगातार टकटकी लगाए परिजन देख रहे थे, कोरोना वार्ड में अपने मरीज को जानना चाह रहे थे। स्थिति ये मई 2021 से 1 वर्ष पहले की याद, काली याद, जिसे भुलाना चाहे भी तो भुला नहीं पाते हैं हम। तो ये तब तक के समाचार, विदा लेने से पहले एक नजर मुख्य समाचार। नगर निकाय चुनाव सितंबर के आखिरी सप्ताह से पहले संभव नहीं दिख रहा, अदालती आदेश और कई पेंच के कारण नवंबर तक भी जा सकता है चुनाव का समय,
राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य के शेष बचे 84 निकायों के मतदाता सूची कार्यक्रम को भी दिया अंतिम रूप। प्रधानमंत्री के लाइव कार्यक्रम से रूबरू हुए लाभार्थी, जनप्रतिनिधि भी हुए शामिल। पंचायत सचिव का शराब पीते हुए वीडियो हुआ वायरल, अब तक कोई कार्रवाई नहीं, मामला हयाघाट का। नए उप विकास आयुक्त अमृता बैंस ने पदभार ग्रहण किया, वर्तमान डीडीसी तनय सुल्तानिया पटना के लिए हुए विरमित। और कोरोना की काली याद, मई 2020 में जिंदगी बचाने की जद्दोजहद थी तो मई 2021 में अस्पताल, एम्बुलेंस, कब्रिस्तान और शमशान के बीच ही कट रही थी जिंदगानी। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत इस प्रसारण से, लेकिन कोरोना गया नहीं है। आप अपना बहुत ख्याल रखिए, मास्क लगाइए, सोशल डिस्टेंस बनाइए, 2 गज की दूरी अपनाइए और अगर रखते हैं तो वैक्सीन जरूर लगाइए। नमस्कार, जय हिंद।